था। एक तरफ प्रदेश सरकार रेल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तमाम दावे और वादे पेश कर रही है, मगर इन दावे और वादों की पोल हरदोई जिले के रेलवे स्टेशन परिसर की पटरियों पर घूमते ये आवारा जानवर बयां कर रहे हैं। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे और मेरे चारों तरफ यहाँ पे घुमंतू जानवर घूम रहे हैं, जहाँ तक कि यहाँ के प्लेटफॉर्म पर भी घुमंतू जानवरों ने अपना डेरा डाल रखा है। ये रेलवे स्टेशन इन घुमंतू जानवरों के लिए एक चारागाह बन गया है। आइए बात करते हैं यहाँ पर आए कुछ यात्रियों से कि उनका क्या कहना है इस विषय में और वे क्या कहना चाहते हैं रेल प्रशासन को, बताइए। यहाँ जो आवारा मवेशी हैं प्रतिदिन कई दसों और बीसों की संख्या में काटे जाते हैं और रेलवे की चपेट में आकर के इनकी मौतें हो जाती हैं, और जिला प्रशासन के द्वारा कई गौशालाएँ भी बनवाई गई हैं जिसके द्वारा जहाँ पर इन मवेशियों को सुरक्षित रखा नहीं जा रहा है, जिसके कारण आसपास तालाब भी हैं और जिसमें वो कई बार फंस जाते हैं। उनको निकालने का काम भी गौ सेवक दलों के द्वारा किया जाता है। शामकालीन मेला में यहाँ पर बुजुर्ग टहलने भी आते हैं रेलवे स्टेशन पर, जिसके कारण आवारा मवेशी अपना संतुलन खोकर कई प्रकार की घटनाएं भी घटित हो जाती हैं, जो कि निरंतर हो रहा है, और आवारा मवेशी भी ट्रेन की चपेट में आकर के यहाँ पर चारों तरफ से या तो तारबंदी की जाए जिससे कि आवारा मवेशी यहाँ पर ना आ सकें और यात्रियों की सुरक्षा बनी। जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पर आए कुछ यात्रियों से जब हमने बात की तो उन्होंने रेल प्रशासन की उदासीनता की निंदा करते हुए उसे पटरियों के इर्द गिर्द बैरिकेटिंग किए जाने की सलाह दी। जब यहाँ के यात्री इतना सजग हैं और सचेत रहते हैं तो क्या रेल प्रशासन और मौजूदा सरकार को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हरदोई से ईटीवी के लिए आकाश शुक्ला।